तेरे खुद का फूल है। ये मंदिर महादेव का है, 4000 बरस पुराना है। इसकी मान्यता ये है कि महिलाएं इस मंदिर के अंदर वर्जित नहीं होती हैं, और जो महिला इस मंदिर के अंदर वर्जित होती हैं तो कोई ना कोई उनके साथ घटना घटती है। यहाँ जो है महिलाएं राजा महाराजाओं के जब से ये मंदिर बना है उसी समय से प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर जो है यदि कोई महिला मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे कोई पागल हो जाते हैं या कहीं कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। कि कहीं हमारी धार्मिक पुस्तकों में, वेदों में, पुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी के मंदिर या किसी शिव जी के मंदिर में महिलाएं नहीं जाएंगी। क्योंकि सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है जो किसी शिव जी को समर्पित होता है, और ख़ास करके सावन का सोमवार जो है वो स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व होता है। पूरे सावन के महीने में स्त्रियां जो हैं शिव जी के मंदिर में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, और ख़ास करके सोमवार को जाती हैं, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। अब ये परंपरा कब से हुई ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता कोई ऐसी घटना घट गई हो महिला के साथ और इस कारण से ये परंपरा बन गई हो, लेकिन कहीं भी हमारी धार्मिक पुस्तकों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाएं जो है शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगी। अरे सब जल्दी बड़ी थी गाय।